मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अब अ टॉपिक फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. व्हेन नन ऑफ द गिवन डिजिट इज जीरो, मतलब कुछ डिजिट दी गई हैं उसमें जीरो कोई डिजिट नहीं है. जैसे फर्स्ट टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है दी हुई डिजिट से, तो यदि हमें स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 7, 8, 1 and 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे छोटी डिजिट स्मॉलेस्ट लिखेंगे यानी 1, उससे बड़ी 5, फिर 7, फिर 8 यानी 1578. ये स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर होगा जो डिजिट गिविन है. और टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बी अरेंज द गिविन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1, 9, 3 and 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ी डिजिट 9, फिर उससे छोटी 3, फिर 2 और फिर 1 यानी 9321. तो इस तरह से दी हुई डिजिट से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर कि जब डिजिट में कोई भी जीरो ना हो. नाउ व्हेन वन ऑफ डिजिट इज जीरो, अब जब एक डिजिट जीरो हो, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट वी प्लेस जीरो एट द सेकेंड हाईएस्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेट द रिमेनिंग डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो प्लेस करेंगे पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हम जीरो से जो बड़ी डिजिट होती है उसको पहले प्लेस करेंगे, फिर जीरो, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट 3 और फिर 7. ये हो गया हमारा फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वन डिजिट इज जीरो. नाउ टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी सिंपली अरेंज द गिवन डिजिट इंक्लूडिंग जीरो. मतलब जैसे हम करते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4, 3, 5 and 0 यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट 5, फिर उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉल 4, उससे स्मॉल 3 एंड एट लास्ट 0 यानी 5430 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज फोर डिजिट ऑफ फोर डिजिट नंबर. इट इज़ क्लियर. नाउ there is an example, form the greatest and the smallest four digit number using digit 0, 4, 6, 7. यहाँ there are four digit और greatest four digit number form करना है, smallest four digit number. तो first of all greatest four digit number form करने के लिए वही हम इसे descending order में लिखेंगे. first of all जो सबसे बड़ी digit है उसको लिखेंगे, means 6, 7 सबसे बड़ी digit है, फिर 6, आफ्टर दिस 4 एंड एट लास्ट 0 7640 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट नंबर की ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 7640. और जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो जब जीरो होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो नहीं प्लेस करेंगे, उससे बड़ी डिजिट प्लेस करेंगे एंड आफ्टर सेकेंड प्लेस पर जीरो प्लेस करेंगे और फिर उससे बड़ी 6 एंड आफ्टर दिस जो ग्रेटेस्ट डिजिट है प्लेस करेंगे 4067 यानी 4067 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट्स 0, 4, 6, 7. इट इज़ क्लियर. तो इस तरह से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं गिवन डिजिट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड नंबर. मींस इवन एंड ऑड नंबर क्या है बच्चों, द नंबर दैट मेक परफेक्ट पेयर्स. ऐसा नंबर जो परफेक्ट पेयर बनाता है उसको इवन नंबर्स कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड इवन नंबर. द नंबर दैट डू नॉट मेक परफेक्ट पेयर्स आर ऑड नंबर. जो परफेक्ट पेयर्स नहीं बनाते वो ऑड नंबर हैं. जैसे देयर आर टू बलून्स तो ये सारे ही इवन नंबर हैं. बट सिंगल बलून तो इट इज़ ऑड नंबर, इसमें कोई पेयर नहीं है. इसी तरह से 3 है, 3 पेयर नहीं है, परफेक्ट पेयर नहीं है तो 3 ऑड नंबर. 4 परफेक्ट पेयर है तो 4 इज़ इवन नंबर. से फॉर एग्जाम्पल, वेद द नंबर आर लार्ज इट मे नॉट बी ईजी टू मेक पेयर्स. तो इन दिस सच केस हम देखते हैं कि वी लुक एट डिजिट एट द वंस प्लेस. इफ इट इज़ 0, 2, 4, 6 or 8 तो द नंबर इज़ कॉल्ड इवन नंबर. मतलब वंस प्लेस पर यदि 0, 2, 4, 6 or 8 नंबर्स होते हैं तो ये इवन नंबर कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 3330 यानी 3330 इट इज़ ए इवन नंबर. 4358 इट इज़ ए इवन नंबर, क्योंकि वंस प्लेस पर 0, 8 यहाँ पर 6 यहाँ 4 है तो दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स. इट इज़ क्लियर.
इफ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ नंबर इज 1, 3, 5, 7 और 9, तो द नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर. तो ऐसा नंबर ऑड नंबर होगा जैसे कि 2711, 3565, 4237, ऐसे नंबर हैं. इनमें सभी में वंस प्लेस पर 1, 5, 7, 3 ऑड, तो ये नंबर्स ऑड हुए. इट इज़ क्लियर. नाउ मोर अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स, कुछ और भी बातें. लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इवन एंड ऑड नंबर. वन इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ओके. टू इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. जीरो इज एन इवन नंबर. द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर. मतलब दो इवन नंबर का जो सम होता है, प्लस होता है, वो हमेशा इवन होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 + 12 = 18. द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. जैसे 7 + 13 = 20. एंड द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 + 13 = 15. इज क्लियर. तो इस तरह से ऑड और इवन नंबर की कंडीशंस होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्किप काउंटिंग. काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ. बाय स्किपिंग ए नंबर ईच टाइम वी गेट ए पैटर्न. हमें एक पैटर्न मिलता है नंबर्स का. तो स्किप काउंटिंग कैन बी स्टार्टेड एट एनी नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्टिंग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 2042, स्किप काउंटिंग बाई टूज. 2044, 2046, 2042, यानी इसमें टू का गैप है. दे आर गैप्स ऑफ टू, गैप ऑफ टूज. तो 42 के बाद 44, 44 के बाद 46 एंड आफ्टर दिस 48. इसी तरह से इन दिस एग्जांपल 3013, 3015, 3017, 3019. इसमें हम देखेंगे कि टू का गैप है. इट इज़ क्लियर. तो स्किप काउंटिंग बाय टू. नाउ स्किप काउंटिंग बाय फाइव्स, यानी फाइव का गैप 3050, आफ्टर दिस 3055, 3060, 3065, यानी फाइव का गैप. 4451, 4456, 4461, 4460, यानी फाइव का गैप. तो ये स्किप काउंटिंग बाय फाइव्स. नाउ स्किप काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, यानी अब हंड्रेड का गैप. 5320 के बाद 5420, यानी हंड्रेड पर देखेंगे थ्री के बाद फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, यानी हंड्रेड का गैप होता चला गया. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल 6000, 6400, 100, 6200, 6300, यानी हंड्रेड का गैप. तो ये हुआ स्किप काउंटिंग बाय हंड्रेड्स. इट इज़ क्लियर स्टूडेंट. ओके, विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो.